दोस्तों आज हम देखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से माइनक्राफ्ट गेम को कैसे अपने फोन में कैसे खेला जाता है और उसमें कैसे आप सेटअप किया जाता है, कैसे सेटिंग करने के बाद कौन सा जो बटन है कैसे काम करता है, तो वही हम देखेंगे टोटली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के माइनक्राफ्ट गेम अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से कैसे सेटअप किया जाता है, इसका जो सेटअप है क्या और ये भी हम देखेंगे इसका सेटअप कितना रुपीस का है, बहुत ही मतलब कम प्राइस के अंदर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो टोटली इस वीडियो में हम कवर करेंगे और माइनक्राफ्ट गेम को कैसे अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से कैसे गेम प्ले करते हैं और कौन सा बटन क्या काम करता है, तो सारी की सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुड यूट्यूब चैनल। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं माइनक्राफ्ट गेम अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस और मोबाइल से कैसे खेला जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है। तो दोस्तों मैंने माइनक्राफ्ट गेम ऑलरेडी प्ले स्टोर से परचेस कर लिया हूँ और उसको मैं इंस्टॉल करके ओपन कर लिया हूँ। अभी यहाँ पर प्ले में क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा माउस कीबोर्ड से, सबसे पहले सेटअप करूँगा। दोस्तों ये रहा OTG केबल, सबसे पहले आपके जरूरत होता है OTG केबल, तो ये 50-60 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। तो OTG केबल सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगा, जो चार्जर का जो जैक होता है वहाँ पर हम लगा देंगे। गाइस इसके बाद OTG केबल के बाद आपको लगाना होता है USB हब, जो कि इस टाइप का होता है जो एक USB जैक को मल्टीपल जैक बना रहता है। फिलहाल तो मेरे यहाँ पर चार जैक है, तो इनमें से दोनों ही जैक मुझे ज़रूरत है, क्योंकि एक है माउस के लिए लगेगा, माउस के जैक यहाँ पर लगाएंगे और कीबोर्ड का जो जैक है यहाँ पर लगाएंगे, और ये जो जैक है जो OTG केबल अभी हमने लगाया तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर इस साइड में नहीं लग रहा है तो उसको घुमा दीजिए तो ये लग जाएगा। तो गाइस फाइनली इसको मैं लगा दिया हूँ और इसको मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, और ये कीबोर्ड का जो जैक है सबसे पहले लगा देता हूँ, कीबोर्ड का जैक और ये माउस का जैक। और इसको सेटअप करने से पहले आपको माउस को उल्टा कर लीजिए, माउस को एक बार आप देखेंगे यहाँ पर लाइट जलेगा, अगर लाइट नहीं जलता है तो आप थोड़ा यहाँ पर चेंज कर दीजिए। अभी देखिए लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब ये फ्लैक अच्छा है और ये फ्लैक मेरे को ख़राब है, देखिए वहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेकअप, अभी देखो लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब ये है ये फ्लैक अच्छा है। अभी कीबोर्ड का जो लाइन है, कीबोर्ड का भी लाइन का भी लिए आपको यहाँ पर चेकअप कर सकते हैं। यहाँ पर तीन लाइट है, यहाँ पर लाइट जलता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर नहीं, अगर नहीं लगता तो घुमा दीजिए। अभी ये जो लॉक, देखिए कीबोर्ड का जो लॉक वाला बटन, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट जलेगा, देखो। तो इसका मतलब है माउस के भी लाइन आया है, वहाँ पर भी लाइन आया है, ठीक है। तो सेटअप इस तरह से आप कर सकते हो, इसके बाद आप टोटली फाइनली आप समझ सकते हो कि हमारा जो भी यहाँ पर मैंने सेटअप किया ये एकदम ओके है, ठीक है, एकदम ओके है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो अभी करना क्या होगा, अभी जो भी आपको गेम प्ले, अभी यहाँ पर जो प्ले वाला बटन है ऑनली, आपको प्ले वाला बटन, मैं यहाँ पर एक छोटा सा माउस पैड दे देता हूँ जैसा कि माउस को चलाने में सुविधा होगा, मैं एक माउस पैड दे दिया गाइस, ओके। तो अभी फाइनली हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्ले वाला जो ऑप्शन है सिंपली यहाँ पर प्ले वाला ऑप्शन में टच करेंगे और गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा जो माइनक्राफ्ट गेम है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्रिएट न्यू पे आपको टच करना है, क्रिएट न्यू ऑप्शन में आपको टच करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो क्रिएट न्यू पे आपको टच करना है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जैसे आपने टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो यहाँ पर एक माय वर्ल्ड का आपको नेम देना है, तो मैं एक जैसा है वैसे रहने देता हूँ। और यहाँ पर नीचे आप सर्वर और नॉर्मल गेम, यहाँ पर ईजी हार्ड भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर नॉर्मल रखूँगा गेम को। और इसके बाद नीचे और भी काफ़ी सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है, तो फिलहाल जो भी जैसा सेटिंग है वैसे रखने देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको माय वर्ल्ड नेम आपको देना होता है, माय वर्ल्ड नेम मैं कुछ भी एक दे देता हूँ गाइस फिलहाल। तो इसके बाद मैंने इस तरह का दे दिया हूँ। अभी नीचे यहाँ पर जो क्रिएट बोल के ऑप्शन है, सिंपली आपको क्रिएट ऑप्शन में आपको टच करना है। क्रिएट ऑप्शन में जैसे टच करेंगे आपके जो गेम है यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से अपने गेम को आप स्टार्ट कर सकते हो माइनक्राफ्ट गेम को अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से। अभी आपको गेम खेलने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा बटन क्या क्या काम करता है वो हम देखेंगे। देखिए माउस जो है, माउस सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है माउस। कुछ अगर आपने माउस को यहाँ पर इस राइट साइड लेके जाएंगे तो ये घूमेगा, देखिए दोस्तों ये घूम रहा है, तो माउस से ये कंट्रोल हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। अभी कीबोर्ड का जो बटन है, कीबोर्ड का जो W वाला बटन से आप सामने जाओगे और S वाला बटन से पीछे आओगे और D वाला बटन से आप राइट साइड जाओगे और A वाला बटन से आप लेफ्ट साइड जाओगे।
और इस स्पेस वाला बटन से आप जो भी यहाँ पर जो ये पहाड़ आ रहा है जैसे इसको आप जाम कर सकते हो, मतलब स्पेस वाला बटन से आप जाम कर सकते हो। तो सिंपल है दोस्तों, मैं यहाँ पर जाम कर रहा हूँ, आप ऑटो जाम भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मेरे को देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हो, एक ऐसा जगह पे, एक द्वीप पे लेके आया हूँ मैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे तो अभी पानी से उस साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक लकड़ियाँ काटना पड़ेगा, एक बेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि रात हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जुम्बिया आ जाएगा, भूत प्रेत आ जाएगा, तो गेम पे ऐसा सब कुछ रहता है। तो मुझे एक ऐसा जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर पेड़ रहेगा, क्योंकि पेड़ काटना पड़ेगा और बकरियाँ काटना, मतलब जो भेड़ है ना, भेड़ उसको करना, वो देखो भेड़ है। तो मुझे एक बेड बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो बेड तो यहाँ से मैं बना लूँगा। मुर्गा भी यहाँ पर है, रात में खाने का चीज़ भी हो जाएगा। चलो एक मुर्गा मार ही देता हूँ। तो एक मांसों का टुकड़ा मुझे मिल चुका है, और ये देखो भेड़, तो इसको जो मुझे मारना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इसको मारने के लिए मैं कहाँ आ गया। चलो इसको भी मैं कहाँ गिर गया, देखो दोस्तों इसको मारने के। और मुझे एक्चुअली तीन भेड़िया चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तीन भेड़िया मुझे कहाँ पर मिलेगा पता नहीं दोस्तों। और अभी लकड़िया, ये लकड़िया है ना, इसी लकड़िया को भी मुझे काटना पड़ेगा बेड बनाने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बेड बनाऊंगा, अगर बेड नहीं बनाऊंगा तो रात में सोऊंगा किसे। और ये जो भेड़ है ना, भेड़ को मैंने इसलिए मारा हूँ क्योंकि उसी भेड़ का जो पोषण है, उसी पोषण से ऊल है, उसी ऊल से ही बेड का बिस्तर बनेगा, तो इसलिए उसको चाहिए। ठीक है, और गाइस अभी तीन भेड़िया चाहिए, अभी दो, एक भेड़िया ओनली मुझे मिला है। ओ देखो एक ठो भेड़ मुझे देखने को मिल रहा है। ओ माय गॉड, ये मिडिल पे ये क्या है, कैसे जाऊंगा उस पार कैसे जाऊंगा गाइस। ओ हाँ 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 हाँ, ये भी तो मुझे अभी, हाँ हाँ हाँ, ओ माय गॉड, मैंने तो रास्ता तो कर लिया था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। देखो गाइस मैंने रास्ता कर लिया लेकिन भेड़ा भाग गया, भेड़ भाग गया, भेड़ किधर गया, वो देखो भेड़ इस साइड में है, उस साइड में चला गया। ए रुक जा, मर जा, तुझसे ही तो हम रात में सोएंगे, नहीं तो कैसे सोएंगे। चलो दो हुआ, और एक भेड़ चाहिए बिस्तर बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए। गाइस क्राफ्टन टेबल भी बनाना पड़ेगा गाइस, बहुत ही मेहनत है गाइस इस गेम पे। इधर है भेड़, ये देखो भेड़ इधर है। तो मैं इस साइड में आ जाता हूँ, एक फाका जगह पे एक घर भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी जगह को मैं फाका कर लेता हूँ और यहाँ पर ये बेड बना के सो जाएंगे सबसे पहले। ओके, तो थोड़ा मैंने जगह इसको घास घूस काट लेता हूँ। ओके, तो हो चुका है, अभी एक बेड बना लेता हूँ सबसे पहले। बेड बनाने के लिए यहाँ पर इसमें टच करेंगे और क्राफ्टन टेबल सबसे पहले हम बनाएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। एक क्राफ्टन टेबल सबसे पहले बना लेता हूँ दोस्तों। तो क्राफ्टन टेबल रहा, इसको यहाँ पर क्राफ्टन टेबल यहाँ पर रखेंगे और क्राफ्टन टेबल पर टच करेंगे और एक बेड सबसे पहले बना लेता हूँ दोस्तों। तो ये रहा, बेड पर टच किया और वुडन से एक बेड बन गया। एक ही बेड बना है क्योंकि जो भेड़ा का भेड़ा मैंने, एक ही भेड़ा मैंने टच किया था। देखो वो अंधेरा हो रहा है, अभी ये जो क्राफ्टन टेबल है इसको मैं ले लेता हूँ। अभी रात हो चुका, रात होने ही वाला है दोस्तों, और मुझे अभी यहाँ पर बेड लगा के सो जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल रात, देखो सूरज डूब रहा है, तो किसी भी तरह मुझे यहाँ पर जो बेड हमने बनाया हूँ उसी बेड को यहाँ पर रख देता हूँ। तो बेड मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ और इसी बेड में हम सो जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं और काम कर लेता हूँ गाइस। लेकिन अंधेरा हो रहा है,
लेकिन मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए, नहीं तो ज़ॉम्बिया आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी अंधेरा से सुबह हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसको अभी बैट को यहाँ पर रखने देता हूँ। फिलहाल मैं फिर से दोबारा यहाँ पर सुबह हो चुका है, काम कर लेता हूँ। एक घर को मुझे बनाना है। बैट को हम इस साइड में रखेंगे, ठीक है। अभी ये जो मिट्टिया है, मिट्टिया हम इस साइड में रखेंगे क्योंकि रात में हम यहाँ पर ही सोएंगे फिलहाल। तो दोस्तों फिलहाल इस तरह से जो भी यहाँ पर मिट्टी हमने खुदाई किया है, और इस जगह पे टोटली चारों तरफ मैंने यहाँ पर जो भी दीवार है, दीवार कुछ इस टाइप के हम तैयारी करेंगे ताकि रात में अगर कोई भी ज़ॉम्बिया या कोई भी भूत प्रेत आ जाएंगे गेम पे तो हम उससे बच सके। तो अभी दीवार के ऊपर हमने उठ गया हूँ, इसलिए मैंने गिर गया दीवार से, मैंने गिर गया, फिर से दोबारा दीवार के ऊपर उठेंगे। तो यहाँ से टोटली हम दीवार में और एक थोड़ा ऊपर ऊंचा करेंगे ताकि थोड़ा छत टाइप का मुझे दिखाई दे। छत लगाएंगे, थोड़ा ऊंचा नहीं करेंगे तो छत को कैसे लगाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा ऊंचा किया हूँ। अभी देखो गाँव भी यहाँ पर घुस जा रहा है, थोड़ा और ऊँचा करना पड़ेगा मुझे। देखो काव इधर में दिख रहा है जी, मैं इधर में क्या कर रहा हूँ, काव आके दिख गया। तो काव भी हम एक फार्म बनाएंगे इसी गेम के अंदर, क्योंकि काव से हम लोगों को दूध मिलेगा, मिल्क मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो भी मिट्टियाँ मेरे पास है मैं यहाँ से छत लगा लेता हूँ। तो मेरे पास मिट्टियाँ ख़त्म हो चुका है, मैं दोबारा फिर से यहाँ पर मिट्टियाँ खुदाई कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास मिट्टिया, अगर स्टोन होता तो स्टोन से और भी अच्छा होता, क्योंकि स्टोन टूटता नहीं है झट से, और मिट्टिया टूट जाता है, लेकिन बाद में हम इसी मिट्टिया से अभी घर कर ले लूँगा, लेकिन बाद में स्टोन से हम छत बनाएंगे और स्टोन से भी हम जो ये करेंगे। अभी जो भी मिट्टिया, फिर से मुझे मिट्टिया चाहिए, तो काफ़ी सारा मिट्टिया मुझे चाहिए। तो कुछ मिट्टिया हो चुका है जुगाड़, अभी थोड़ा सा छत बाकी है, छत टोटली होने ही वाला है और थोड़ा बाकी है, तो यहाँ पर थोड़ा दे देता हूँ। छत हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर जो घर का जो फिनिशिंग था, फिनिशिंग मैंने कर दिया। अभी इसमें जो सामने जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा को भी मैं इस साइड में टोटली लगा दूंगा ताकि दरवाज़ा टोटली मतलब थोड़ा फिनिशिंग अच्छा रहे। इसका लुक देखो कितना अच्छा है इसका लुक। अभी ये जो बेड है, बेड को टोटली मैं इस साइड में लगाऊँगा, तो इसलिए वहाँ से मैं उठा के इस साइड में लगा दूँगा बेड को। और मेरे पास है और एक जो क्रिकेट टेबल, इसको इस साइड में रख दूंगा, बेड के साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस साइड में रख दूंगा इस कनार पे। अभी इसमें मुझे एक दरवाज़ा का ज़रूरत है, दरवाज़ा को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों गेम तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैंने देखा वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से, अपने मोबाइल से माइनक्राफ्ट गेम को आप खेल सकते हो और सेटअप भी कर सकते हो। बात करें इसका प्राइस की, मेरे को कितना पड़ा, तो दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड माउस और यूएसबी हब जो कि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन पे लिया था, कॉम्बो पैक मैंने लिया था, 350 रुपीज़ लगभग मेरे को पड़ा था। और यूएसबी जो ओटीसी केबल है, ओटीसी केबल 70 रुपीज़ के आसपास मेरे को पड़ा था। तो आप एक बार ऑनलाइन पे जरूर से चेक कीजिए, अमेजन फ्लिपकार्ट या तो किसी या तो आप लोकल पे भी एक बार चेक कीजिए, ऑनलाइन पे भी चेक कीजिए और लोकल पे भी आप चेकआउट कीजिए। मुझे लगता है ये कम रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। और ओटीसी केबल मेरे को 70 रुपीज़ मिला था, तो मैंने आपको बता दिया। गाइस उतना मैंने खास उतना हाई रेंज का मैंने लिया नहीं, सबसे कम लो रेंज का मैंने लिया हूँ, जो कि अब मार्केट में मैंने बाद में देखा कि ये 200 रुपीज़ में लगभग मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग ऑनलाइन पे डिलीवरी करता है तो शायद वो चार्ज मस ज़्यादा होगा शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है। एक बार आप जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बात करूँगा गाइस, बहुत ही खेलने में मज़ा आता है कीबोर्ड माउस से, और खेला भी जा रहा है, काफ़ी आराम से भी हो जा रहा है। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से, आप मोबाइल से माइनक्राफ्ट गेम को आप खेल सकते हो। दोस्तों वीडियो तो बहुत ही बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए ना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।